इजी हीच लीवर मिल जाता है, डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व मिल जाते हैं, इंडिपेंडेंट पीटीओ लीवर मिल जाते हैं, सेफ्टी के लिहाज से ट्रांसपोर्ट लॉक मिल जाते हैं। सो हेलो दोस्तों, आज के एक नए फ्रेश वीडियो में स्वागत है। हम लेकर आए हैं स्वराज की तरफ से आने वाला रिसेंटली ट्रैक्टर के फुल डिटेल रिव्यू वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह का मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए इसके हम डिफरेंट फीचर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ताइजी हिच लीवर का मतलब ये हुआ कि आप रोटावेटर या कल्टीवेटर कोई भी इम्प्लीमेंट आपको आप नारते हैं तो आपको ट्रैक्टर के सीट पे बैठना पड़ता है। उसके लिहाज से आप यहाँ पे बैक में ही रह के आप कल्टीवेटर का किसी भी एमपी ब्लॉक पर जैसे यहाँ से ही नार सकते हैं। ये पोजीशन लीवर अलग से आपको मिलता है और आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्ब मिल जाता है जो कि भारी एप्लीमेंट एमपी प्लाउ और डोजर किसी भी एप्लीमेंट को सेट करने के लिए यहाँ पे दो डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्ब मिल जाते हैं जो कि ये भारी एप्लीमेंट के लिए तैयार है। और फेंडर के साइड में इसका पोजीशन लीवर मिल जाता है जो कि ड्राइवर यहाँ से इसको ऑपरेट कर पाएगा। और LED लाइट कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट मिल जाता है, जैसे कि ट्रॉली में और किसी में आप लाइट यहाँ से इंस्टॉलेशन ले सकते हैं। और इसकी पीटीओ की बात करें तो आपको इसमें मिल जाता है 44 से लेके 41 एचपी पीटीओ कैटेगरी जो कि ये किसी भी चालित यंत्र को आसानी से चला सके। और इसकी हम एक्सल की बात करें तो इनवर्ड रिडक्शन इसमें मिल जाता है एक्सल जो कि रोटावेटर और ट्रोली चलाने के लिए सबसे बेस्ट है। सबसे ज़्यादा आपको 1800 kg का इसमें लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाता है। बॉक्स ड्राइवर के अपोजिट पीछे मिल जाता है जो कि ये टूल रखने के लिए बनाया गया है। ट्रैक्टर की अगर हम टायरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको 16x28 के इसमें टायर मिल जाते हैं जो कि ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा ग्रिप पकड़ के चल सके, इसके लिहाज से कंपनी बड़ा टायर देती है जो कि गुडियर कंपनी के टायर है। उसका हम वीडियो बना रहे हैं, ये है स्वराज से तरफ से आने वाला 855 5 रेटिंग के साथ जो कि सिंस 1974 से ये किसानों के लिए सेवा में लगा हुआ है। और इसकी लुक की बात करें तो आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल लुक मिल जाता है जो कि बाकी ट्रैक्टरों से इसको अलग बनाता है। और इसकी आगे की बात करें तो आपको दो हेलोजन बल्ब मिल जाता है जो कि रात में आप आसानी से काम कर सकते हैं। और इसकी हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको 400 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जैसे कि किसी भी ऊंच या खाई में आप आसानी से इसको ले जाकर निकाल सकते हैं। ट्रैक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बड़ा है इस ट्रैक्टर की। और इसकी हम फ्रंट एक्सल की बात करें, आपको इसमें मिलता है स्ट्रेट फॉरवर्ड एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल जो कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाता है जो कि ड्राइवर को चलाने में काफ़ी स्मूथ प्रदान करता है। और MP बलावा डोजर सेट करने के लिए अलग से आप यहाँ पर इंस्टॉलेशन आप ले सकते हैं जो कि ये ट्रैक्टर काफ़ी खास बनाया गया है इस चीज़ के लिए। सो दोस्तों, इस ट्रैक्टर की अगर हम इंजन की बात करें तो अपने श्रेणी में सबसे ज़्यादा 55 HP श्रेणी में आता है जो कि इसमें मिलते हैं आपको 3307 cc के इंजन। और सबसे बड़ा बात जो कि 214 से 213 Nm टर्क प्रोड्यूस करता है। और इसके इंजन का पंप जो है बॉस का 3 inline पंप मिल जाता है। और इसकी सेफ्टी के लिहाज से वाटर सेपरेटर मिल जाता है जो कि ये पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकता है। और इसकी हम अगर एयर फिल्टर की बात करें तो 3 stage वाला आपको वाल बाथ टाइप एयर क्लीनर मिल जाता है जो कि ये लो मेंटेनेंस के लिए काफ़ी बेहतर है किसानों के लिए। सो दोस्तों, इसको हम बॉर्नर को खोलेंगे। यहाँ पे बॉर्नर खोलने का आपको दो लॉक मिल जाता है। और इस बॉर्नर को खोल के और ट्रैक्टर की हम और विशेष जानेंगे, जैसे कि इसकी हम अगर आगे की रेडिएटर की अगर बात करेंगे तो बेंचो कंपनी का आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड का रेडिएटर मिल जाता है लोलोस टैंक के साथ जो कि इंजन को ज़्यादा देर तक काम करने में समर्थ है। और इसकी हम इस पावर स्टीयरिंग की और वाल सेपरेटर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है जो कि ये फाइबर का दिया हुआ है, बाकी ट्रैक्टर से अलग है इसका। और इंजन की बात करें तो काई और 3 सिलेंडर का आपको इंजन मिल जाता है जो कि 4 stroke के साथ इसका इंजन आता है। और इसके हम फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको इसमें मिल जाता है 60 लीटर का फ्यूल टैंक जो कि बाकी ट्रैक्टर से इसको अलग बनाता है। अब इसको हम बंद कर लेंगे इसकी बॉर्नट को, क्योंकि बॉर्नट काफ़ी टिकाऊ है इस ट्रैक्टर को। और बॉर्नट बंद करके हम और चीज़ ज़्यादा दिखाएंगे इसके ट्रैक्टर के दाहिने तरफ से, जैसे कि पंप की बात करें तो आपको यहाँ पे टेंडर पंप मिल जाता है और एक हाइड्रोलिक पंप मिल जाता है जो कि ये इसको ज़्यादा फिल्ट्रेशन करके वाल मिल सके, इसके लिए आपको यहाँ पर फिल्टर मिलता है। और इसकी हम इसकी सेल्फ की बात करें तो 12 volt 36 ampere का सेल्फ मिलता है और अल्टरनेटर 12 volt 60 ampere का इसमें अल्टरनेटर मिलता है यहाँ पर दिया हुआ है। और इसकी हम बैटरी की बात करें तो 12 volt यहाँ पर 100 ampere का बैटरी मिलता है। ट्रैक्टर हम आगे के टायरों की बात करेंगे तो इसमें आपको मिलता है 750/16 का टायर जो कि गुडियर इंडिया का सबसे ट्रस्टेड ब्रांड है। सो दोस्तों, अगर रेटिंग की बात करें तो 5 rating के साथ इसमें आपको ट्रैक्टर आता है जो कि ये खास बनाता है इस ट्रैक्टर को। और यहाँ पे स्वराज का सॉलिड पावर भरोसा का यहाँ पे बैजिंग मिल जाता है जिससे दर्शाता है कि 1974 का सबसे इसमें टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। सो ट्रैक्टर के हम ऊपर चलते हैं, अगर
यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बात करें तो काफ़ी सपाट यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है, जो कि ड्राइवर को बैठने में और काफ़ी आसानी प्रदान कर सके। और सबसे ज़्यादा अगर इसकी हम सीट एडजस्टेबल की बात करें तो कारों वाला इसमें फीचर मिल जाता है, जो कि आप सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको पीछे कर सकते हैं। और इसकी हम DC PC लीवर की बात करें तो आपको फेंडर में सटे आपको ड्राफ्ट लीवर मिल जाते हैं, और ड्राइवर के सीट के बगल में आपको पोजिशन भी मिल जाता है। जो कि आप ड्राफ्ट लीवर की बात करें तो आप यहाँ पर कल्टीवेटर चलाने के लिए इसको एडजस्ट कर पोजिशन लीवर से ही आप इसको चला सकते हैं, और ज़मीन के ऊपरी परत पर चलने वाले के लिए आप दोनों का मिक्स कंट्रोल ले सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट लॉक की बात करें तो यहाँ पे सेफ्टी के लिहाज से मिल जाता है कि एप्लीमेंट आपका सही समय से सही जगह पे जा सके, इसके लिहाज से कंपनी प्रोवाइड कर इसमें देता है। और इसकी हम ब्रेक की बात करें तो आपको इमर्सिड वायल ब्रेक मिल जाता है, जो कि ड्राइवर को चलाने के लिए काफ़ी स्मूथ चलता है, और इसकी ज़्यादा देर तक ड्राइवर चला सके इसके लिए बाकी ट्रक ट्रेलर से अलग आपको फुट स्टेपर मिल जाता है, जो कि इस पे पर रख के आप आसानी से चला सकते हैं। और इसकी हम गियर की बात करें तो आपको इसमें मिलता है 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स PTO, जो कि फुली कंस्टमाइज्ड गियर के साथ आता है, जो कि गियर बॉक्स को ज़्यादा देर तक चलाने के लिए ट्रैक्टर सक्षम है। और इसके ऊपर हम चलते हैं, और जैसे कि एस्टीमेट क्लस्टर की बात करें तो आपको डिजिटल और एनालॉग सिस्टम का आपको एस्टीमेट क्लस्टर मिल जाता है। जैसे कि हम चाबी जब लगाएंगे तो आपको ये दर्शाता है इसमें रीडिंग घंटा बीच वाला, और LED लाइट इसमें 12 तरह के आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिलता है इस ट्रैक्टर में, जो कि बाकी ट्रैक्टर से अलग बनाता है। और फेंडर की बात करें तो आपको फेंडर के बाएं टाइप अगर चलेंगे तो सबसे बड़ा बदलाव की हम बात करें तो आपको इसमें मिलता है इंडिपेंडेंट PTO लीवर। जैसे कि आप थ्रेसर और रोटावेटर चलाने के लिए आप यहां से डायरेक्ट ही इस PTO से गियर को लगा सकते हैं और छुड़ा सकते हैं बिना आगे वाले क्लच को आप यूज किए, जो कि इस ट्रैक्टर में बेस्ट फीचर दिया गया है बाकी ट्रैक्टर से अलग। और इसकी PTO की बात करें तो आपको रिवर्स PTO मिलता है, CR PTO। जैसे कि आप रोटावेटर चला रहे हो उसमें घास फंस है तो ये CR PTO हो गया। और इसकी हम क्लच की बात करें तो आपको ड्यूअल क्लच का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप लैंड रोवर चलाने के लिए आप इसे समर्थ है। इस ट्रैक्टर को अब हम चालू करेंगे और टर्निंग रेडिएशन और नॉइजेशन चेक करेंगे। तो टर्निंग रेडिएशन ये रहा ट्रैक्टर का, जो कि काफ़ी स्मूथ है चलने में, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और इसकी हम नॉइजेशन चेक करेंगे इस ट्रैक्टर का, क्योंकि नॉइजेशन के हिसाब से इस ट्रैक्टर में आपको मिलते हैं 2000 रेटेड पे ट्रैक्टर वर्क करता है। LED स्क्रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और चॉकबार सेंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो दोस्तों, ट्रैक्टर के अब हम नीचे चलेंगे और कुछ और डिफरेंट के बारे में, जैसे कि हम IPTO इंडिपेंडेंट आपको क्लच लीवर के बारे में बताया, PTO लीवर उसका यहाँ से आपको एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आप इस PTO को बिना छुए ही आप ट्रैक्टर को आप रोटावेटर एम्पले चलाने के लिए वहां से आप IPTO के हिसाब से चला सकते हैं, डायरेक्ट इंजन से इंजेक्ट रहता है। सो दोस्तों, ये था स्वराज की तरफ से आने वाला 855 AFE5 रेटिंग के साथ का फुल डिटेल रिव्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। जय जवान, जय किसान।